हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भरत राज पुरोहित और मैं करंटली MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ MCCS में। तो मैंने नीट 2021 का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी रैंक 787 और स्कोर 681 था। तो जो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन है वो फिजिक्स वाला की यकीन बैच से की थी। तो मैं भी एक PW का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैं आप सब लोगों को लास्ट में यार एक ही बात मतलब एडवाइस देना चाहूँगा कि एग्जाम पेपर में बिल्कुल भी आपको हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को मतलब एक बार के लिए छोड़ देना, स्किप कर देना, उस पर लास्ट में आके उसको ध्यान देंगे, ठीक है। प्लस हेजिटेट नहीं करना है, प्लस मिनिमम नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको, कि आप अपने जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो और जो भी क्वेश्चन आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइम लगे उनको एक बार के लिए लास्ट के लिए छोड़ दो, सेकंड राउंड में उनको अटेम्प्ट करना। प्लस पेपर को 2-3 राउंड में अटेम्प्ट करना और सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेटिव थे आपने छोड़ दे, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू नीट एग्जामिनेशन।